ये एक डाला जी जो यकीनन दूर से आ रहा है और ये बची। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बड़े चर्चे हैं इस वीगो डाले के जनाबे वाला। इसे डर और खौफ की अलामत भी समझा जाता है और गुरबा के लिए डर और खौफ क्यों ना हो। एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जो सबको हैरत में डाल देने वाली है। आपको ये मनासिर दिखाई दे रहे होंगे, कैसे एक गरीब बच्ची को बजाय इसके के अंदर बिठाया जाता। ये शायद कोई काम वाली हैं, बेचारी अमीरजादे की अमीरी की भेंट चढ़ रही है और इस तरह पीछे उस जगह इन्हें बिठाया गया है जहाँ वाज़े नज़र आता है कि गरीब के लिए बस तजलील ही तजलील है, कोई इज्जत कोई मर्तबा नहीं। अल्फाज नहीं मिल रहे कि मजम्मत की जाए, लेकिन ये कहना हम मुनासिब समझेंगे। अल्लाह पाक कुरान हकीम के आखिरी सिपारे की कुछ सूरतों में फरमाते हैं कि क्या हमने इंसान को एक नुतफे से पैदा नहीं किया, फिर हमने उसका लोथड़ा बनाया, हमने उस पर गोश्त चढ़ाया, उसके बाद उसकी तख्लीक की मेल फीमेल या मर्द खातून वाला एक प्रोसेस होता है जिससे इंसान गुजरता है। तो क्या सब ऐसे ही प्रोसेस से इस दुनिया में नहीं आए, तो फिर गुरूर तकब्बुर कैसा, ये फ़र्क कैसा। क्या उस ज़ात ने हुकूकुल इबाद में कल इन लोगों को खड़ा करके बरोज़ क़यामत इन लोगों से सख्त हिसाब नहीं लेना। वो ज़ात तो देख रही है, देख लीजिए उसका इंसाफ कि उसने दुनिया में इंसान को इम्तहान के लिए भेजा तो कुफर को भी रिस्क दे रही है और आम इंसानों को भी। बहरहाल ये रिस्क की तकसीम उसी की तरफ से है, किसी को अमीर बनाता है किसी को गरीब। लेकिन ये तजलील इस अंदाज में उसकी अता करदा नेमतों की तोहीन समझा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो वीडियो पर राय दीजिए, आगे भी इसे शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।